नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले जब भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या डाउट क्रिएट होता था तो आप उसके जवाब के लिए बड़ों के पास में, गुरुओं के पास में, ऋषियों के पास में जाते थे। उसके बाद में आविष्कार हुआ गूगल का, जिससे आप दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लीजिए, वो चंद मिनटों में आपके सवाल का जवाब देती थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गूगल जैसे मजबूत सर्च इंजन को भी टक्कर देने वाला एक चैटबॉट मार्केट में आ चुका है, जिससे गूगल के खत्म होने तक की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसका नाम है चैट जीपीटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस चैट जीपीटी से आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, ये चंद मिनटों में उसका जवाब दे देता है। और साथ ही में ये क्रिएटिव है, इसके अंदर जो भी कंटेंट बनता है वो यूनिक कंटेंट होता है। और ये चैट जीपीटी पोइम्स, स्टोरी, ऐसे या फिर किसी भी तरह के होमवर्क करवाना हो आपको, तो ये सभी तरह के कार्य करता है। और जब भी ये किसी भी तरह के कंटेंट का निर्माण करता है तो इसका कंटेंट पूरी दुनिया में यूनिक कंटेंट समझा जाता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह के कॉपीराइट का इश्यूज नहीं होता। दोस्तों, चैट जीपीटी इस समय सबसे पॉपुलर चैटबॉट है, और अगर आपको इसकी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो ये इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लॉन्च होने के 2 महीने के भीतर भीतर चैट जीपीटी से लगभग 100 मिलियन लोग जुड़े। यदि मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स की इससे कंपैरिजन करूं तो जो सबसे पॉपुलर इस समय जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को 100 मिलियन यूजर्स को प्राप्त करने में लगभग 2.5 वर्ष लगे थे। और यदि मैं बात करूं टिकटॉक की, तो टिकटॉक को इसको प्राप्त करने के लिए 100 मिलियन यूजर्स को 9 महीने लगे थे। तो यही काम चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों में इस तकनीक को लेकर के कितना क्रेज है। चैट जीपीटी कैसे काम करता है, तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं एक लाइव डेमो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर एक क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और उसको ओपन करने के पश्चात उसमें टाइप करना है OpenAI। OpenAI टाइप करने के बाद में आपको जो रिजल्ट्स दिखेंगे, उस रिजल्ट्स में एक नाम आपके सामने आएगा, चैट जीपीटी। उसके बाद में आपको चैट जीपीटी पर क्लिक करना है। यदि आप इसके पहले से यूजर नहीं है तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा और साइन अप करने के लिए बोलेगा। यदि आपका इस पर अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आप इसमें लॉगिन कीजिए, और यदि आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करके आप अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट पहले से ही लॉगिन है तो मैं इस पर डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ इसको। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे सामने कुछ लिस्टेस आ रही है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं चैट जीपीटी के बारे में, कुछ लिमिटेशंस लिखी हुई है, और नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। सबसे पहले मैं इस चैट जीपीटी की क्रिएटिविटी चेक करने के लिए इसको एक चीज़ टाइप करता हूँ। जैसे मैंने इसमें टाइप किया, राइट ए पोइम इन हिंदी ऑन राजस्थान। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, इसने प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने एल्गोरिदम के माध्यम से उस सभी डेटाओं को एनालिसिस करके हमारे सामने एक पोइम लिख रहा है। आप लाइव देख सकते हैं इसके बारे में डेमो कि किस तरीके से इसने राजस्थानी पोइम लिखी हुई है। हम इसको एक बार और चेक करते हैं। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, राइट ए एसे इन हिंदी ऑन इंडियन रिलीजन। तो जैसे ही मैंने इंडियन रिलीजन के बारे में इसको ऐसे लिखने के लिए कमांड किया, इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, और आप देख सकते हैं लाइव कि ये किस तरीके से इस प्रोसेसिंग को अंजाम दे रहा है, और आपके सामने इंडियन रिलीजन को लेके एक ऐसे तैयार हो गया है हिंदी में। और यदि आप इसी कंटेंट को, यदि आप कॉपी पेस्ट करके गूगल पर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप पेस्ट करके देख सकते हो, ये एकदम यूनिक कंटेंट है। इसी प्रकार का किसी भी तरह का कंटेंट गूगल पर उपलब्ध नहीं है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एकदम ह्यूमन जो माइंड होता है उसी की तरह कार्य कर रही है। अब सवाल आता है कि आखिर इस चैट जीपीटी जैसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के पीछे कौन है। 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन जिस समय 2015 में इसका निर्माण किया गया, ये चैट जीपीटी उतना कुछ खास कर नहीं पाया, इसलिए एलन मस्क ने अपनी जो भी हिस्सेदारी है वो इससे हटा ली, यानी कि एलन मस्क इस चैट जीपीटी से अलग हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चैट जीपीटी को डेवलप करने वाली एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसको हम ओपन एआई कहते हैं। तो इस केसेस में जो एलन मस्क है वो इससे हट चुके थे, क्योंकि चैट जीपीटी कुछ खास कर नहीं पा रहा था। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इस कॉन्सेप्ट में दिलचस्पी हुई और उन्होंने अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें किया, और इसके बाद में 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। अब प्रोटोटाइप लॉन्च करने का मतलब है कि यह सिर्फ एक डेमो था, और इसके बाद में कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस चैट जीपीटी को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। हालांकि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इसको
कमर्शियल पर्पज़ के लिए लॉन्च किया जाए और इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन या कुछ पैसे चार्ज किए जाए। लेकिन अभी ये सभी के लिए एक ट्रायल के रूप में चल रहा है, तो सभी के लिए ये मुफ्त सेवा है। लेकिन जिस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है, आप किसी भी चीज़ को जब उस पर टाइप करके सर्च करोगे तो आपको उसका अपने एल्गोरिदम के माध्यम से एनालिसिस करके एक सटीक रिजल्ट आपके सामने शो करेगा, और उसके बाद में आपको किसी भी तरीके किसी भी ब्लॉग्स या वेबसाइट को पढ़ने की या फिर उस पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये कार्य करता है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी की खास बात यह भी है कि जब भी आप किसी भी चीज को इस पर सर्च करोगे तो पहली बार जो रिजल्ट प्रदर्शित हुआ था, दूसरी बार वो रिजल्ट प्रदर्शित नहीं होगा, उससे यूनिक कंटेंट प्राप्त होगा। यानी कि यदि आपने एक बार उस पर कुछ सर्च किया और अगर आपको उसका कंटेंट पसंद नहीं आया, तो जैसे ही आप सेम चीज को दोबारा सर्च करोगे तो आपको अलग रिजल्ट आपके सामने प्रदर्शित करेगा। जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो उसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। चैट जीपीटी के आने से आपको किसी भी तरह के ब्लॉग्स या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो भी चाहिए वो सटीक तरीके से आपको उपलब्ध होगा। दूसरा इसमें जो फायदा ये है कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए तो ये कुछ मिनटों में आपके सामने उस जवाब को प्रोसेस करके प्रदर्शित कर देगा। तीसरा फायदा चैट जीपीटी का, ये क्रिएटिव और यूनिक कंटेंट उपलब्ध करवाता है। आप इसे चाहे ऐसे लिखवाइए, चाहे आप स्टोरी लिखवाइए, चाहे पोएम लिखवाइए। अगर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप इसको अगर एक बार कमांड दोगे कि हमें यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, तो ये आपको लिख करके बता देगा कि ये डिस्क्रिप्शन ये है। यदि आप यूट्यूब के वीडियोज़ में किसी भी तरह के टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो यदि आप इस पर टाइप करोगे कि हमें इस वीडियो के ऊपर टैग चाहिए, तो ये आपको टैग उपलब्ध करवाएगा। ये इसके बेनिफिट्स है। अगर चैट जीपीटी के नुकसान की बात करें तो चैट जीपीटी के आने से आपको ब्लॉग और वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सटीक रिजल्ट आपके सामने प्रदर्शित करेगा। इससे क्या होगा कि जो भी ब्लॉग्स और जो वेबसाइट्स हैं उनकी इनकम पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। चैट जीपीटी फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश ठीक से आती है अभी वही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। तीसरी इसकी मेजर प्रॉब्लम है कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जब भी आप किसी भी प्रकार का इससे प्रश्न पूछे तो उसके सही उत्तर आपको न मिले। अब सवाल आता है कि क्या चैट जीपीटी गूगल को कंपटीशन दे पाएगा? तो दोस्तों, जिस तरह की इसकी प्रोग्रामिंग है, जिस तरीके से ये अभी इसका प्रोटोटाइप सामने आया है और लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा इस पर विश्वास जताया जा रहा है, 2 महीने के अंदर अंदर लगभग 100 मिलियन यूजर्स इस पर जुड़े हुए हैं और ये जब गूगल से कम समय में लोगों को जानकारियाँ प्रदर्शित करेगा तो ये संभावना है कि लोग गूगल की बजाय चैट जीपीटी पर आए और वहीं पर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लेकिन गूगल ने भी ये घोषणा की है कि अब हम स्वयं का चैटबॉट लॉन्च कर रहे हैं और गूगल ने वो चैटबॉट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बार्ड। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चैट जीपीटी वर्सेस गूगल का बार्ड इनमें से कौन ठीक तरीके से वर्क करता है। होपफुली दोस्तों, न्यू टेक्नोलॉजी के आज के वीडियो में आपको चैट जीपीटी के बारे में समझ में आ ही चुका होगा कि ये क्या है और कैसे कार्य करता है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।